बात करेंगे यहाँ मवेशी मंडी के हवाले से। ईद कुर्बा में बस एक रोज़ बाकी, शहर कायद की मवेशी मंडियों में इंतहा दर्जे का रश। जानवरों के रेट हाई होने के बाद शहरी रुल गए। 2 से 2.5 मन के जानवर की कीमत 80 से 90, 3 साढ़े 3 मन का जानवर 1.5 लाख रुपए तक पहुंच गया। बारिश ने मवेशी मंडी को डुबो कर रख दिया, लेकिन व्यापारियों के तेवर ना बदल सकी। कहते हैं कि कुछ भी हो जाए रेट कम नहीं होंगे। वक्त कम है और मुकाबला सख्त। कराची की सुपर हाईवे मंडी पर मवेशियों की खरीदारी के लिए लोगों का सैलाब उमड़ आया। हर किसी को खूबसूरत जानवर की तलाश, लेकिन पैसे इतने हैं कि शहरियों के होश उड़ गए। शहर कायद में मुसलसल 4 दिन की बारिश ने मंडी को डुबोकर रख दिया, लेकिन व्यापारियों ने अपने जानवरों के रेट कम करने से साफ इनकार कर दिया। थोड़ा फर्क है बस, महंगाई बढ़ी है, बकरे नहीं ले जा सकते। कीचड़ में खड़े जानवरों के बीमार होने का खदशा पैदा हो गया। और कौन कह रहा था कि बारिश के बाद जानवरों के रेट करेंगे। अरे भाई, रेट गिरे नहीं है बल्कि मजीद ऊपर चले गए। क्या सूरत हाल है इस वक्त मवेशी मंडियों में, जान लेते हैं मौलवी के नुमाइंदे सलमान सलीम से। सलमान बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें 3 दिन से मुसलसल जो है वो शहर कायद के अंदर बादल बरस रहे हैं, और यही सोच के शहरी जो है वो कराची की मवेशी मंडी का रुख करते हैं। लेकिन गुज़िश्ता रात भी हमने ये देखा कि जो व्यापारी हैं वो अपनी ज़िद के ऊपर जो है वो अड़े हुए हैं, कीमतें जो है वो कम नहीं कर रहे। तमाम अगर हम लोग मंडी की सूरत हाल की बात करें तो बारिश के बाद जो है वो तवाकुन सूरत हाल है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जानवरों के बैठने की कीचड़ ही कीचड़ है। जिस तरफ आप देखेंगे कीचड़ है। दूसरी जानब अपने कैमरामैन अब्रार से रिक्वेस्ट करूँगा आपको दिखाएं पानी का जो है वो, यहाँ पे सारा पानी गंदा जमा हुआ है। इसके निकासी आपके लिए कोई इंतज़ाम जो है वो मौजूद नहीं है। जो मंडी इंतज़ामिया हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि निकासी आप फ़ौरन कर दी जाएगी। तमाम जो बारिशें हुई हैं शहर के अंदर, उसके बाद ये देखा गया कि मंडी इंतज़ामिया की जो है वो कल ही खुल चुकी है, और जो व्यापारी हैं हर साल की तरह इस साल भी जो है वो नाकिस इंतज़ाम के की वजह से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो शहरी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, और घुटने घुटने तक जो है वो कीचड़ यहाँ पर मौजूद है, गंदा पानी मौजूद है। जो जानवर यहाँ पर हैं वो बीमार, उनके बीमार होने का खदशा भी जो है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। कोई वैक्सीनेशन का अमल जो है वो यहाँ पर नहीं किया जा रहा। बरसात की सूरत हाल के अंदर अमूमन हम ये देखते हैं कि जो जानवर हैं उनको हिफाजती जगह के ऊपर मुंतकिल कर दिया जाता है, लेकिन जो कराची की मवेशी मंडी है वहाँ पर जो VIP टेंट्स हैं, सिर्फ उन टेंट्स को जो है वो तमाम तर सूरत हाल, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सहूलतें फराहम की जाती हैं, लेकिन जो व्यापारी हैं, जो एक आम जानवर बेचने वाला इंसान है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। जी सलमान, आप ये बताइएगा, आप बता रहे हैं कि व्यापारी जो हैं वो परेशान हैं, कुल कितने जानवर इस वक्त अगर अंदाज़ा लगाया जाए मौजूद होंगे मंडी में? देखें, मंडी इंतजामिया से हमारी सवाल से जब बात हुई तो उनका कहना था कि 3.5 लाख से ज़्यादा जानवर जो है वो इस बार कराची मवेशी मंडी लाए गए हैं, जबकि अगर हम लोग इन 3 से 4 दिनों की बात करें तो 1 से 1.25 लाख जानवर जो है वो फरोख्त किया जा चुका है। जो लोग हैं वो वक्फे से जो है वो मंडी आते हैं, और अपनी जो जितनी उनकी जेब इजाज़त देती है उस हिसाब से वो आके जानवर देखते हैं, लेकिन इस बार महंगाई बहुत ज़्यादा है, और जो व्यापारी हैं वो बजट हैं कि वो अपनी कीमतों के ऊपर जानवरों को जो है वो बेचेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी भी लोग जो हैं वो मंडी के अंदर मौजूद नहीं हैं। गुज़िश्ता रात काफ़ी ख़रीदारी हुई है मंडी के अंदर, लेकिन सुबह सवेरे भी वो मंडी नहीं आए क्योंकि कीचड़ बहुत है। इस तरफ भी आप ये देख सकते हैं कि जानवरों की क्या सूरत हाल है। खड़े हुए जानवर हैं, बैठने की कोई जगह नहीं है, इसको साफ़ सुथराई करने की कोई इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। मंडी इंतज़ामिया जो है वो भी इस वक्त मंजर आम से गायब है। जी सलमान, एक आम तासुर यह है कि बारिश के बाद जो है वो जानवरों की कीमतें कम हो जाती हैं, शहरी बाहर निकलते हैं जानवर खरीदने के लिए, क्या ऐसा ही नज़र आया आपको मवेशी मंडी में? देखें, शहर की जो है वो 2 सबसे बड़ी मंडियां हैं, जिसके अंदर एक मवेशी मंडी और दूसरी मंडी जो है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो वो मलीर मंडी है। मलीर मंडी के अंदर जानवर बनिस्बत मवेशी मंडी की जो है वो सस्ता है, लोग वहाँ से ज़्यादा ख़रीदारी कर रहे हैं, लेकिन मवेशी मंडी भी जो है वो आ रहे हैं और ख़रीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जो उनका लिमिटेड बजट है उसके अंदर अगर उनको जानवर मिल जाता है तो वो जानवर को बआसानी लेकर जो है वो अपने घर रवाना हो जाएंगे और ईद कुर्बान जो है वो करेंगे, सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस बार कीमतें बहुत ज़्यादा हाई कीमतें बढ़ी हुई हैं बारिश के बावजूद भी, लेकिन शहरी जो हैं उन्हें तो जाहिर है खरीदना है जानवरों को। बहुत शुक्रिया सलमान, आपने अपडेट किया। अब जो रुख करते हैं कसूर शहर का और देखते हैं सुबह सवेरे कसूर की मवेशी मंडी में सुन्नत इब्राहिम अदा करने वालों का क्या जोश व जज्बा है और इंतजाम कैसे हैं। हमारे नुमाइंदे अब्दुलरहमान इस वक्त मंडी में मौजूद हैं। जी अब्दुलरहमान, बताएं कि इस वक्त क्या हालात हैं मंडी के?
आज सुबह सवेरे का वक्त था और जब हमने मंडी का विजिट किया तो मेरे पीछे बिल्कुल इंतजामिया का जो कैंप है वो खाली पड़ा है। लाइफ स्टॉक एक डिस्पेंसरी टाइप का लोग बंदा जरूर यहाँ पे मौजूद है और व्यापारी जो है वो थके हारे अभी तक सो रहे हैं। अभी अगर सुन्नत इब्राहिमी अदा करने वालों की बात की जाए तो अभी उनका मंडी की तरफ अभी आना शुरू नहीं हुआ, अभी इक्का दुक्का लोग जो है वो मौसम का फायदा उठाते हुए सुबह सवेरे खरीदारी के लिए यहाँ आए तो जरूर है, मगर जब भाव ताव या रेट पूछते हैं तो फिर पिछले कदमों पर वापस लौट रहे हैं। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि लाइफ स्टॉक यहाँ पे मौजूद तो है मगर लाइफ स्टॉक में पूरी दवाइयाँ मौजूद नहीं है। मेरे साथ इस वक्त एक व्यापारी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उनको कौन सी उनके जानवर को बीमारी लगी और वो क्यों बाजार जा रहे हैं इंजेक्शन लेने के लिए। जी सर बुखार है उन्होंने, अगर इंतजामात की बात की जाए तो जैसे आपको ये व्यापारी बता रहा है कि रात को लाइफ स्टॉक वालों ने इंजेक्शन लगाए हैं मगर रात को सिर्फ बुखार उतरा रहा है। सुबह सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।